अस्सलाम वालेकुम। ये एक झटपट सी रेसिपी है। ये मैंने चावल लिए हैं 1.5 कप, 1 कप दूध, चीनी या ब्राउन शुगर, बादाम थोड़े से, और थोड़ा सा ये किशमिश कह लें, छोटे वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ। आए बनाते हैं। ये देखें, अब इस ऑयल में हम ये चावलों को ना इसको भूनेंगे। अच्छा, इसके हम गर्म होने का वेट करेंगे। ये गर्म हो जाए तो फिर चावलों को भूनूंगा, फिर अगला स्टेप आपको बताता हूँ। यह है झटपट सी रेसिपी, बस यूँ तैयार हो जाएगी। ये चावल अब हम इसमें डाल देंगे, चावल भुनना शुरू हो गए। चलें, ये थोड़ी सी गोल्डन होता है ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हो गए हैं चावल। बस इसको मैं अब 1 से 2 मिनट और करूँगा और उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगा। ये देखें जी, ये हमने स्टेन कर लिया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ना पीसेंगे। जी, ये मैंने पीस लिए हैं चावल और अब हम ये रखेंगे, इसको ये करेंगे। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगा चीनी। पानी नहीं डालना? नहीं, बाकी डालूंगा ये ब्राउन शुगर। ये अब इसको मैं करूंगा मेल्ट स्लो, थोड़ा सा चूल्हा स्लो कर दूं, कैरमल बनता है, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, ये देखें मेरी ब्राउन शुगर जो है वो पिघल गई है, और ये जो दूसरी शुगर है ना वो थोड़े थोड़े दाने रह गए हैं। बस ये मेल्ट कर लूँ तो ये बड़ा मज़े का कैरमल सा ना हो गया है। लें जी, ये देखें, ये मेरी चीनी सारी मेल्ट हो गई है, ब्राउन शुगर मेल्ट हो गई है। अब इस वक्त मैंने इसमें करना ये है कि अब मैं इसमें ये डाल के मिक्स करूँगा। 1 कप दूध, 1 कप दूध, ये अभी इसको मैं हल करूँगा। लें जी, ये थोड़ी देर तक खुद ही मेल्ट हो जाएगा, काफ़ी सारा मेल्ट हो गया है, बाकी भी इंशाल्लाह ये थोड़ी देर तक। ये देखें जी, ये सारा मिक्स हो गया, ये रह गया बस, ये भी अभी हो जाएगा। ये अब इसमें मैं ये आटा डाल दूंगा, जो चावल जो हमने पीसे थे, और इसको मीडियम सी आंच पे ना बस करता जाऊंगा। वो नट्स और वो भी डाल देता हूँ, डाल दूँगा। ये इसमें बादाम और इलायची पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है जी, पीस के पिसा हुआ। अब इसमें ये देखें, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये घी, और इसमें आपने ये बिल्कुल थोड़ा सा, ये इतना, ये सॉरी, ये चम्मच हमारी ना, ये देखें, 1 चम्मच, ये इतना घी इसके अंदर जाएगा बस। अब इसको पकाते रहना है, ये थोड़ी देर तक ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, और ये हीट मीडियम रखनी है, तेज नहीं रखनी।
चले, ये हार्ड होता है ना, मैं हाथ से मिलता हूँ क्योंकि ये अभी पैन छोड़ना शुरू हो गया है, ये देखें। लें जी, ये बन गया। अब हम इसको इस ट्रे में निकाल लेंगे। चलें जी, ये आप खुद भी बनाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये ठंडा होता है तो फिर काट के दिखाते हैं। हाँ, सॉरी अभी नहीं जाना, काट के मैं ये चम्मच साफ कर रहा था। ये ठंडा हो जाए फिर इसको कट करके दिखाते हैं आपको ये कैसा बना है। अच्छा जी, ये मैंने डिश आउट कर लिया है, ये अब जरा जल्दी से मिले तो डिश आउट कर लिया है। अब इसके हम स्लाइस करेंगे। ले जी, ये हमारी फाइनल प्रेजेंटेशन हो गई है, ये देखें। अच्छा, आपको मज़े की चीज़ एक बताऊं मैं, ये 300 रुपये की है, ये देख लें। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 4 हमने खाए हैं जो कोनों वाले थे ट्रे के। ठहरे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो ट्रे के कॉर्नर्स पे थे ना, ये हमने 4 खाए हैं। तो ये 300 रुपये की बनी है, 100 रुपये के चावल, ठीक है, और 200 रुपये में आया था दूध का एक पाउच, उसके बाद बादाम और इलायची पाउडर, ये आप 200 का कर लें। चीनी हो गई, और चीनी मतलब वो 200 रुपये में ये सब कुछ चीनी और ये चीजें आ गई। तो ये 300 रुपये के अंदर ये इतनी क्वांटिटी बनी है, ये आप भी बनाएं अपने घर में, और ये बहुत मजे की बनी है। तो आप भी बनाएं, खाएं, हमें भी दुआओं में याद रखें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें तो अच्छा है। लाइक कर लें, वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दिया करें, उससे ये हमारी रीच बढ़ती है। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।